मॉर्निंग बच्चों, मैं माउंट विसिया की टीचर हूँ। तो बच्चों, आज आप सभी को मैं ग्रामर पढ़ाऊंगी। तो आप लोग ग्रामर बुक निकाल कर बैठ जाइए। चैप्टर थ्री क्या है बच्चों? मात्राएं, शब्द और वाक्य। क्या है? मात्राएं, शब्द और वाक्य। आज मैं सिर्फ आप सभी को मात्राएं पढ़ाऊंगी, है ना? क्या पढ़ाऊंगी? मात्राएं। यहाँ देखिए क्या लिखा है। जब व्यंजन से पहले और स्वर के बाद में स्वर बाद में आए, तब स्वर मात्रा रूप में लगाए जाते हैं। क्या है? जब व्यंजन पहले और स्वर बाद में आए, तब स्वर मात्रा रूप में लगाए जाते हैं। जैसे देखिए यहाँ कॉपी में अ आ, छोटी बड़ी, री, ए, ऐ, ओ, औ, ऊ, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ये सब क्या है बच्चों? आप लोगों को बता दी थी ना, ये सब क्या है? स्वर। क्या है? स्वर। अब देखिए व्यंजन के बगल में, जैसे क ख ग घ, व्यंजन के बगल में यदि हम स्वर लगाते हैं, ये स्वर यदि हम लगाते हैं तो कोई शब्द बन जाता है, है ना? और जो लगाते हैं इसको हम लोग क्या कहते हैं? मात्रा। छोटी इस तरीके से भी लिखा जाता है ना, ये हो गया बड़ी ई, ये हो गया री, यहाँ हो गया ए, ऐ, उसके नीचे देखिए इसको ओ, औ, यानी स्वर को हम लोग इस तरीके से भी लिखते हैं ना बच्चों। अब यहाँ देखिए हमने क्या लिख रखा है, ब और घ। इसमें हम क्या मात्रा लगाएंगे बच्चों? आकार की मात्रा। तब क्या बन गया? बाघ। अब यहाँ देखिए म और त्र है, इसमें यदि हम छोटी ई लगा दे रहे हैं तो क्या हो जा रहा है? मित्र, ये छोटी ई। अब यहाँ देखिए ल और च लिखा हुआ है, इसमें हम लोग क्या लगाएंगे? बड़ी ई की मात्रा। ल में बड़ी ई की मात्रा, च में बड़ी ई की मात्रा, दोनों क्या बन गया? लीची। अब देखिए री की मात्रा, री की मात्रा कहाँ लगता है? व्यंजन के नीचे, है ना? अब यहाँ देखिए व के नीचे हम क्या लगाएं? री की मात्रा, तो क्या हो गया? व्री। और अक्ष, वृक्ष, क्या हो गया? वृक्ष। यहाँ देखिए इसको हम क्या कहते हैं? ए की मात्रा कहते हैं ना बच्चों। अब र के ऊपर यदि हम ए की मात्रा लगा दे रहे हैं तो क्या हो जा रहा है? रेल। ये सब जो हम लगा रहे हैं इसको मात्रा कहते हैं बच्चों। मैं बताई थी ना आज मैं सिर्फ मात्रा पढ़ाऊंगी, तो ये सब क्या है? मात्राएं, है ना? अब यहाँ देखिए बॉल लिखे, इसमें हम क्या लगाएंगे? ऐ की मात्रा। तो ब के ऊपर यदि मैं ऐ की मात्रा लगा दे रही हूँ तो क्या हो जा रहा बच्चों? बैल हो रहा ना। अब यहाँ देखिए ओ की मात्रा, ओ की मात्रा। अब यहाँ ढ है, अब ढ में हम यदि ओ की मात्रा लगा दिए तो क्या बन गया? ढोलक, है ना बच्चों? अब यहाँ देखिए औ की मात्रा है, तो औ की मात्रा यदि हम च में औ लगा दे रहे हैं तो क्या बन जा रहा है? चौखट। ओके बच्चों, अब देखिए यहाँ छोटा ऊ, छोटा ऊ, यदि हम प में छोटा ऊ लगा दे रहे हैं तो क्या हो जा रहा है? पुल। क्या हो जा रहा है? पुल। यहाँ देखिए बड़ा ऊ, बड़ा ऊ यदि हम फ में लगा दे रहे हैं तो क्या हो जा रहा है? फूल। क्या हो जा रहा है? फूल। छोटा ऊ को धीरे से कहते हैं पुल, बड़ा ऊ को बड़ा ऊ में जोड़ देते हैं फूल। वैसे यहाँ देखिए छोटी ई है तो हम इसको क्या बोलते हैं? मित्र। जल्दी से ई की मात्रा निकलता है, मित्र। और बड़ी जो रहता है उसको लीची, बड़ी में हम लोग जोड़ देते हैं। और एक बात है बच्चों, यहाँ देखिए ये जो ऊ की मात्रा है, र में मध्यम में बीच में ऊ की मात्रा लगता है। कहाँ लगता है? बीच में। तो देखिए ये र में छोटी ऊ है,
क्या है, छोटी ऊ रू हो गया, और ये है बड़ी ऊ। यहाँ देखिए रौ में बड़ी ऊ लिख दिए, लगा दिए, तो क्या हो गया, रू। अब जैसे यहाँ देखो रुकना, रुकना हम कितना जल्दी कह रहे हैं ना, इस पर कम जोर दे रहे हैं, और यहाँ बड़ी ऊ है तो रूप, रूप पे जोर दे रहे हैं, दे रहे हैं ना बच्चों। तो आज हमने आप सभी को क्या पढ़ाया, मात्राएं। यहाँ देखिए बुक में है ना, सब मात्रा लगा हुआ है ना, हाँ, ब प्लस, ब में क्या लगाएं, आ की मात्रा, तो क्या हो गया, बाघ। म में लगाएं छोटी की मात्रा और त्र लिख कर क्या हो गया, मित्र। अब देखिए है ना, तो जो हम कॉपी में कर कर आए वही बुक है। तो आज आप लोगों को हम क्या होमवर्क देंगे बच्चों, तो बच्चों आज आप लोगों का चैप्टर 3 पेज नंबर 14 होमवर्क रहेगा। इसको अच्छी तरह से पढ़ोगे और समझोगे। थैंक यू।